गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज गुरुग्राम में गुरुग्राम की लाइफलाइन बनती जा रही GMCBL की बस के कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल इसलिए कर दी क्योंकि उनको एक महीने की सैलरी ₹1,000 से लेकर ₹2,000 तक दी जा रही है। इसी से नाराज सभी कंडक्टरों ने गुरुग्राम के सेक्टर 52 में, जो वजीराबाद गांव के पास बस डिपो बना हुआ है गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड का, वहां पर इन कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी और वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान जो कंपनी है उसके खिलाफ नारेबाजी भी की गई, क्योंकि कंडक्टरों का ये आरोप है कि उन्हें इस पैंडेमिक के दौरान, जब अभी पिछले महीने लॉकडाउन का ऐलान किया गया था हरियाणा में, तो उसके बाद इन बसों का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और कई डिपार्टमेंट हैं उनकी सैलरी पूरी दी जाएगी मार्च से जून तक की। लेकिन कंडक्टरों का ये आरोप है कि उनको सैलरी पूरी नहीं दी जा रही है और ऐसे में अगर एक महीने की सैलरी उनको 1,000 या 2,000 रुपये दी जाएगी तो वह अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। इसी को लेकर आज सुबह डिपो पर ये सभी कंडक्टर इकट्ठे हुए, वहाँ पर ये लोग नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान जिस कंपनी के पास इन कंडक्टरों का ठेका है, डांगी एंटरप्राइजेज और अढ़ाणा एंटरप्राइजेज, उनके जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और कंडक्टरों को समझाने की भरपूर कोशिश की। क्या कुछ समस्याएं हैं कंडक्टरों की वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ना तो बस डिपो में पानी पीने के लिए कोई सुविधा है और ना ही जब बसें सड़कों पर चलती हैं तो उन बसों में कंडक्टरों के लिए सीट भी आरक्षित नहीं है। सैलरी नहीं आई सर हमारी इस महीने की, पिछले महीने की किसी की, कि जो 20-25 बच्चों की ड्यूटी लगाई तो उनकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग 2,500-3,000 जितनी बनी वो दे दी, बाकी जो 180 है या 170 बच्चे वे कहाँ जाएंगे, घर तो उनको भी सर चलाना होता है ना अपना, उनके बच्चे कहाँ भूखे मरेंगे। जनरल ड्यूटी लगवा रहे हैं, हम लोग भी जनरल ड्यूटी कर रहे हैं, लेडीज़ भी सुबह से शाम तक की, और मिलता क्या है 12 घंटे की सैलरी, 14-14, 15-15 घंटे, 17 घंटे की ड्यूटी पड़ती है। कोई सोल्यूशन नहीं है और ऊपर से 4 महीने पानी को प्रॉब्लम होते है। डिपो के DM जो है उसको भी कंप्लेन कर चुके हैं कि डिपो में पानी नहीं है, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं है पानी का। सुबह डिपो में आते डिपो में पानी नहीं मिलता, पूरा दिन हम बस में टिकट काटेंगे या पानी ढूंढेंगे अपने लिए गर्मी में। ये देखो जो अपने अकेले बोलते हैं सर उनको नो ड्यूटी कर देते हैं, थोड़े दिन बाद ये देख लेते हैं, आईडी नोट कर लेते हैं कंडक्टर की कौन सा ज़्यादा बोल रहा है, उसको नो ड्यूटी कर देते हैं। पहले भी हुआ है सर, ऐसा काफ़ी बार हुआ है, अपने अकेले मांग करते नो ड्यूटी हो जाती है इधर। तो अब ये स्ट्राइक आज की जो है वो कब तक रखेंगे आप लोग? सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती सर। रूल इतने बना दिए, सीट पा के नहीं बैठोगे, ये करोगे 18 सवारी ज़्यादा हुई कम हुई, लेकिन टारगेट पूरा करना पड़ेगा। ₹500 जुर्माना कर दिया, पानी पीने को पानी नहीं है। अब जो लास्ट में ड्यूटी सभी की करवाई है, 4-4, 5-5 जितनी है सैलरी उतनी दी, 1800 किसी की 2000 रुपये। इन्होंने ना तो पहले हमको बताया कि भाई तुम्हारी सैलरी कम आएगी, और ना कुछ नोटिस दिया कि भाई जितनी ड्यूटी करोगे उतने पैसे आएंगे। कोरोना काल में ड्यूटी काफ़ी कंडक्टर हमारे जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे उनका भी कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। किस वजह से सैलरी कट रही है बताया इन्होंने? ये सैलरी बताया नहीं रहे ना, अभी कौन बताएगा? ये बोल रहे हैं हमारे कि हमें पता नहीं आ गया सरकार से, इतनी आई है सरकार से बात करें, लेकिन सरकार का तो ऑर्डर ये है कि सबकी पूरी सैलरी दी जाए। आपकी प्रशासन से जो बस डिपो प्रशासन है उनसे बात की? प्रशासन डिपो लेता है, लेकिन पिछली बार भी यही कहा था, जो हमारे अरुण साहब है जी वो कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो मैं आपको कुछ करूंगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। पीने के लिए पानी भी नहीं है 4 महीने से तो पानी नहीं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी 24-25 तारीख को आती, जो ग्रुप में हम 1000 बार भीख मांगते हैं उस तरह से तब सैलरी आती, लेकिन उससे पहले कोई रिप्लाई नहीं। आज जब किया है तब सारे डिपार्टमेंट जितने भी हेड सब आ चुके हैं, और वैसे कोई नहीं आता, कोई देखता नहीं। बस सुबह कंडक्टर पूरे दिन कंडक्टर ड्राइवर और टाइम कीपर ही बस चलाता, दिन में कोई देखता नहीं क्या होता है कंडक्टर के पास, टाइम है किसी को दिक्कत हो रही है, पानी है या नहीं है, कोई कुछ कोई तंग कर रहा है, ऐसे कोई कुछ नहीं देखता। गुस्साए कंडक्टरों ने जब सुबह बस डिपो पर हंगामा करना शुरू किया तो उस दौरान सेक्टर 56 पुलिस थाने से एक टीम भी मौके पर पहुंची और कंडक्टरों को समझाने का प्रयास भी किया। डांगी एंटरप्राइजेस से जब अधिकारी मौके पर आए तो उन्होंने कंडक्टरों को समझाया और उनको 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में उनकी इस समस्या का हल करा दिया जाएगा। इसीलिए कंडक्टरों ने लिखित में अपनी शिकायत GMCBL के अधिकारियों को दे दी है, जिस पर उन्होंने 10 दिन का समय अधिकारियों को दिया है कि 10 दिनों में या तो उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए अन्यथा कंडक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसा सर, पिछली बार ही इंस्ट्रक्शंस थे बच्चों को कि लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चों की सैलरी होगी, इस बारी वो सैलरी नहीं मिली है बच्चों को पूरी, लेकिन हमें प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि इन बच्चों की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हम इनसे यही कह रहे हैं कि 2-4 दिन का समय दो, प्रशासन के साथ बात करने का समय दीजिए, तुम्हारी उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
नहीं, आप दो चार दिन का समय मांग रहे हैं प्रशासन से कि दो चार दिन का समय दीजिए, ऐसी नौबत आई ही क्यों कि सैलरी काटनी पड़े? सर ये तो जवाब प्रशासन ही देगा ना कि इनका, आप लोगों ने पूछा हो ये बात? हमने पूछा है सर, प्रशासन ने ये कहा है कि अभी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है हमारे पास, सरकार ऊपर से आदेश नहीं है कि पूरी सैलरी देनी है, तो जिनकी जितनी ड्यूटी थी उनकी वो सैलरी दे दी गई है, जिनकी जितनी ड्यूटी थी। इनकी जो समस्या है ये चाहते हैं कि पूरे महीने की सैलरी मिले, वो बातचीत करके तभी समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समस्या का समाधान निकल जाएगा। कितनी सैलरी कटौती हुई है अभी सर इस महीने में? कोरोना काल के दौरान जिस बच्चे ने जितनी ड्यूटी की है, उस जैसे मान लो किसी ने दो दिन की करी है, किसी ने चार दिन की करी है, उसको वो सैलरी मिल गई। बसेज कम चल रही थी तो आपको भी पता लॉकडाउन के दौरान कितनी मतलब पॉपुलेशन थी जो ट्रैवल कर रही थी, इसलिए बसेज कम चल रही थी, मैन पावर ज़्यादा थी, बसेज कम थी, इसलिए डिवाइड किया गया था रोटेशन बना के। लेकिन ये विश्वास मैं इनको भी दिला रहा हूँ और प्रशासन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए। गुरुग्राम में हजारों ऑटो के बाद अब GMCBL की ये बसें ही हैं जो धीरे धीरे गुरुग्राम की लाइफलाइन बनती जा रही है, क्योंकि गुरुग्राम में लगभग हर रूट पर ये बसें चल रही हैं। ऐसे में अगर इनके कर्मचारियों को समस्याएं होती हैं और ये हड़ताल पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। अब देखना होगा इन कंडक्टरों की जो समस्याएं हैं उनका हल किस तरह और कब तक निकाला जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।